तो आखिरकार गाइस हमारे साथ फिर से धोखा हो गया है जो कि Xiaomi ने हमारे साथ कर दिया है। वो कैसे, आज की वीडियो में मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कल एक इवेंट हुआ था जिसमें अंदर हमें बताया जाने वाला था कि कौन से डिवाइस के अंदर आपको अपडेट मिलेगा, कौन से डिवाइस के अंदर आपको अपडेट नहीं मिलेगा, कौन से आपको फीचर्स MIUI 12 के अंदर देखने को मिलेंगे। तो बहुत कुछ यहाँ पे जानने को मिलने वाला था, लेकिन जब ये इवेंट लॉन्च हुआ उसके बाद हमने देखा, हालांकि उस इवेंट के अंदर हमारे पास ये 5-6 फोन्स के ही डिवाइसेस के नाम लिए गए थे कि जिसको अपडेट मिलेगा, अदरवाइज जो भी डिवाइसेस थे छोटे मोटे रह गए थे, सेकंड थर्ड बैच के डिवाइसेस रह चुके थे, उनके बारे में कंपनी ने बोला कि आपको हम सोशल मीडिया पर एक्टिव कर दिया करेंगे, कोई भी अपडेट आएगा सोशल मीडिया पर बता दिया करेंगे। हालांकि ये कोई बात नहीं होती है, एक तो इन्होंने यार इवेंट रखा, इतना छोटा इवेंट। देखो यार, मैंने स्पेशली इस इवेंट को काफ़ी ध्यान से सुना और काफ़ी ध्यान से देखा भी, एंड यार मैं कोई भी इवेंट को इतना अच्छे से नहीं देखता हूँ, बिकॉज मुझे लगा इसके बारे में बहुत ज़्यादा कि जो मैं आप लोगों को बताऊँगा, लेकिन इसके अंदर कोई भी न्यूज़ नहीं था, बहुत ही कम यहाँ पे न्यूज़ बताया गया था। कुछ डिवाइसेस के अंदर बताया गया था कि कौन से अपडेट आएंगे, कुछ ये भी बताया गया था कि आपको इसके अंदर कौन से फीचर्स मिलेंगे। हालांकि मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जो आपने न्यूज़ बताया है ना, वो सभी यूज़रों को, सभी यूट्यूबरों को पहले से ही पता थी। हालांकि हम लोगों ने पहले ही आपको वीडियो बना दिया था कि आपको इसके अंदर अपडेट मिलेगा, जो कि चाइना ग्लोबल के अंदर अपडेट मिला है, जो भी फीचर्स मिले हैं वही हमें इसके अंदर बताया जा रहा था। यार ये कोई सही बात नहीं है, जो इन्होंने इवेंट किया है फालतू का इवेंट था, इनको इवेंट करने की ज़रूरत नहीं थी यार। हालांकि चलो बहुत हो गया इनकी बातों की यार, मतलब क्या बोले यार, अभी कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। फिलहाल जो भी यहाँ पे डिवाइसेज आए हैं जिनके बारे में इन्होंने अपडेट की न्यूज़ बताई है, हालांकि वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलो यार उस डिवाइसेज के बारे में नाम देख लेते हैं, कौन से डिवाइस में आपको अपडेट मिलना चालू होने वाला है। तो हमारे पास एक लिस्ट आया है जिसके अंदर हमें डिवाइसेज लिखे गए हैं कि इनके अंदर आपको अपडेट मिलेगा अगस्त में। तो गाइस चलो यार यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से डिवाइस को यहाँ पे अपडेट मिलेगा अगस्त के अंदर ही। तो यहाँ पे Mi 10, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7 एंड Redmi Note 7 Pro, तो इनके अंदर यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑफिशियल न्यूज़ है Xiaomi की तरफ से, जो कि आपको अगस्त के लास्ट तक अपडेट मिल जाएगा और इससे ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है। हालांकि अभी खुशी की बात नहीं है, खुश होने की बात नहीं है। हालांकि ध्यान से देखो, यहाँ पे एक छोटा सा नोट है जिसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे जो अपडेट्स है पक्का नहीं कह सकते, मतलब ये शेड्यूल अभी चेंज भी हो सकता है, इसका कोई भी भरोसा नहीं है। तो फिलहाल अभी ये भी नहीं बताया गया है कि बीटा टेस्टर्स को अपडेट मिलेगा या फिर हमें पब्लिक यूजर्स को अपडेट मिलेगा। मतलब काम करता है लेकिन आधा करेगा भाई, पूरा काम नहीं करेगा ये, हमें ही देखना पड़ेगा कि कब अपडेट मिलेगा कब नहीं। यार मतलब फिर इवेंट रखने का फायदा क्या है, न्यूज़ देने का फायदा क्या है यार। यार हमारे पास तो Xiaomi की तरफ से इतना ही न्यूज़ आया था। फिलहाल मैं तो अभी भी कहूँगा कि Xiaomi ने पूरा न्यूज़ यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया है यार। देखो वो मानते हैं कि अभी ये जो न्यूज़ आया है सब बंदे यही कहेंगे कि अपडेट मिल जाएगा। फिलहाल मैं भी कहूँगा कि हाँ आपको अपडेट मिल जाएगा, बिकॉज सभी डिवाइसेस के अंदर टेस्टर्स को तो अपडेट मिल ही चुका है, अभी बाकी रह गए हैं जो पब्लिक यूज़र ही रह चुके हैं, तो पब्लिक को ही मिलेगा ना। एंड Redmi Note 8 Pro के अंदर तो कल ही, यानी कि मतलब कल लॉन्च हो चुका था, कल यानी कि पब्लिक यूजर्स को अपडेट मिलना चालू हो भी चुका था यार। मतलब फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि क्या पता आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाए पब्लिक यूजर्स को। फिलहाल देखो यार Xiaomi का एक और कहना भी है, देखो इन्होंने एक बार में बहुत कम डिवाइसेस को बताया है, अभी भाई काफ़ी डिवाइसेस पड़े हैं, अभी छोटे डिवाइसेस सेकंड बैच थर्ड बैच के डिवाइसेस पड़े हैं, इनके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो मतलब इन्होंने इवेंट रखा है तो उनके बारे में भी कोई न्यूज़ देना था ना यार, वो भी आपके ही मतलब यूज़र है ना यार, आपके यूज़र नहीं है तो हमारे यूज़र हैं क्या। मतलब कहीं कहीं Xiaomi गलती कर रहा है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं अभी यार Xiaomi के ऊपर, अभी कब अपडेट देगा कब नहीं, बिकॉज ये अपना स्टेटमेंट काफ़ी तरह से चेंज करता है यार। मतलब इनके, खैर यार बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो चलो यार मिलता हूँ अगली वीडियो में, एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए।